मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के लिए अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, मुझे गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 3 महीने बाद मैं करूंगा मजीठिया को अंदर। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर भगवंत मान ने दिया बयान। कहा, पार्टी में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मांग को लेकर 3 नवंबर को मोहाली में एक दिन की भूख हड़ताल करेगी आम आदमी पार्टी। गुरप्रीत सिंह घुग्गी, सांसद भगवंत मान समेत कई नेता लेंगे हिस्सा। पंजाब राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर करवाए गए समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की शिरकत। बोले, पंजाब और पंजाबियों ने भुगता है कांग्रेस की हुकूमत का सबसे बड़ा खामियाजा। पंजाब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुनील झाखड़ का बयान। कहा, पंजाब की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमित शाह और अरुण जेटली के भाग लेने के बावजूद पंजाब को हाथ लगी है निराशा। केंद्रीय राज्य मंत्री और पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा, पंजाबियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बोले, अपने फायदे के लिए पंजाब को तोड़ने की कोशिश में राजनीतिक पार्टियां। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी ने केंद्र द्वारा गठित SIT के कामकाज पर उठाए सवाल। कहा, उन सभी मामलों को दोबारा खोले जिन्हें राजनीतिक दबाव में पुलिस ने कर दिया था बंद। अमृतसर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। लगाए लुटेरों के सरदार मुर्दाबाद के नारे। विक्रम सिंह बजीठिया ने अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी। कहा, मानहानि मामले में केजरीवाल की जेल जाने की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। खेतों में पराली जलाए जाने पर प्रदूषण स्तर में हुई खतरनाक सीमा तक बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के आसपास के राज्यों पंजाब हरियाणा राजस्थान और यूपी को किया जारी समन। पाकिस्तान की फायरिंग में 8 भारतीय नागरिकों की मौत। BSF ने पाक को दिया करारा जवाब। 14 पाकिस्तानी पोस्ट किए तबाह। बिहार की तरह यूपी चुनाव में भी महागठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज। कांग्रेस के चुनाव राजनीतिकार प्रशांत किशोर और स्पा प्रमुख मुलायम सिंह के बीच हुई मुलाकात। जासूसी के लिए हाल में भारत द्वारा निष्कासित किए गए पाकिस्तानी के उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अतर का दावा। कहा, पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 और कर्मचारी भी थे जासूसी गिरोह में शामिल। अमेरिका ने दिल्ली में ISIS के आतंकी हमले की जताई आशंका। दिल्ली स्थित US एम्बेसी ने अपने नागरिकों को सार्वजनिक जगहों पर विशेष सावधानी बरतने की दी चेतावनी। नए सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर 1% अंक की बढ़त बनाई। ट्रंप को 46% लोगों का मिला समर्थन, हिलेरी को मिला 45% लोगों का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को सौंपा 4 करोड़ रुपए का चेक। रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है दीपा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आज होगा भारतीय क्रिकेट टीम का चयन। गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा पर होगी सबकी निगाह। क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ हुए स्पॉट। इंडियन सुपर लीग का मैच को देखने गोवा में स्टेडियम में एक साथ पहुंचे विराट अनुष्का। 13 साल के बाद अभिनेता कमल हासन के साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों की स्टार गौतमी ने खत्म किए संबंध। शुरू ही दीपिका रणवीर और शाहिद कपूर की फिल्म पद्मावती की शूटिंग। अगले साल 17 नवम्बर को होगी रिलीज।